छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन प्रभारी नितिन नवीन ने अपने कोरबा दौरे के दौरान कांग्रेस के न्याय पत्र पर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ न्याय नहीं किया, कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं किया। छत्तीसगढ़ में 36 वादे करके 5 साल तक सरकार ने केवल छलने का काम किया है, अब उनके न्याय पर जनता को विश्वास नहीं है। नितिन नवीन के इस बयान के बाद मीडिया ने उनसे पूछ लिया कि अगर ऐसा है तो छत्तीसगढ़ के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही रेणुका सिंह के साथ बीजेपी ने कितना न्याय किया। इस पर नितिन नवीन ने कहा कि रेणुका सिंह को पार्टी ने पूरा मौका दिया है, पार्टी में जब भी जिसकी भूमिका आपको दायित्व दिया गया है आपको न्याय करना होता है। कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ तो न्याय किया नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ तो न्याय किया नहीं। छत्तीसगढ़ से 36 वादे करके 5 साल तक सरकार ने केवल छलने का काम किया, अब उनके न्याय पर जनता को विश्वास नहीं है। जो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का साथ न्याय नहीं किया वो जनता के साथ करना। किसने कहा, आपने कहा क्या सीएम? बीजेपी के लोग तो बीजेपी सोशल मीडिया में चला दिए सर। अब आपके कौन लोग हैं, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, वो अलग चीज है। बीजेपी ने कहा, ऐसा कहाँ कहा है? और एक तरह किसी भी चीजों का जब बयान पूछते हैं तो उस चीज की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। रेणुका सिंह जी को पूरा मौका मिला है मंत्री के रूप में भी और पार्टी के जिस भी दायित्व में, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री था 7 साल, फिर पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बनाया, मैंने उसमें भी काम किया। तो पार्टी में कब जिस भी भूमिका में आपको दिया जाए आपको उसके साथ न्याय करना होता है। और आगे किसके लिए क्या, विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर एक विधायक और एक कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया 1.5 साल तक, फिर राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। निश्चित रूप से पूरी तरह से हम जीतेंगे और हमारे 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में कमल के रूप में। आपने ऐसे कर्म किए हैं इसलिए आपका अकाउंट सीज हुआ है, आपने कोई गलत नहीं किया होता तो आपका अकाउंट सीज नहीं होता। अकाउंट किसका सीज होता है? एक बात और आ रहा है कि 25 नेताओं के नाम दिए जो दागी थे, जिनके ऊपर सीबीआई ईडी की कार्रवाई चल रही है, वो भाजपा प्रवेश कर रहे हैं, उनको भाजपा ले रही है। जब लेगी तब आप उससे सवाल कीजिएगा। कई लोग तो आ गए ना सर, कोई ऐसे नहीं आए जिन पर ईडी या सीबीआई का जांच है। और जो लोग हैं जो खुद 4 सीटेड हैं वो दूसरे के बारे में न बोले, और चरण दास महंत हो या भूपेश बघेल हो जो खुद महादेव और बाकी सट्टों में खेलते हुए नजर आए हैं, वो पहले अपने सवालों को रखें।